तिगड़ी की रेस में पिछड़ चुके शाहरुख खान की जगह क्या अक्षय कुमार ने ले ली है? आंकड़े गवाह है। अक्षय के पास 2018 में पैडमैन 2.0 और गोल्ड के बाद 2019 में भी जॉली LLB 3, केसरी, हाउसफुल 4, मुगल और क्रैक जैसी फिल्में कतार में हैं। शाहरुख खान की फिलहाल एक ही फिल्म की चर्चा है जिसका नाम तय होना है। हाल में शाहरुख खान ने एक फिल्म में अक्षय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। समय से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। कभी सिर्फ पर्दे पर खिलाड़ी माने जाने वाले अक्षय कुमार आज बॉक्स ऑफिस पर बड़े खेल खेल रहे हैं। बॉलीवुड के शिखर पर मौजूद खान तिगड़ी के मोनोपोली को उन्होंने न केवल जबरदस्त चुनौती दी है बल्कि शाहरुख खान को उनकी जगह से हटाकर खुद जम गए हैं। लोकप्रियता में अव्वल सलमान खान भी अक्षय कुमार का लोहा मान रहे हैं। बीते 3 साल के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो गवाह हैं ही, खबरें ये कह रही हैं कि शाहरुख खान किसी तरह अक्षय के सामने नहीं पड़ना चाहते। इसका पहला संकेत इस साल अगस्त में मिला था जब शाहरुख ने फिल्म जब हैरी मेट सेजल की रिलीज डेट अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा से एक हफ्ते पहले खिसका ली थी। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होनी थी मगर शाहरुख अपनी फिल्म 4 अगस्त को ले आए। शाहरुख की फिल्म फ्लॉप रही जबकि अक्षय की फिल्म ने 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया। ताजा मामला जॉली LLB 3 का सामने आ रहा है। पिछले साल अक्षय ने फॉक्स स्टूडियोज के साथ 3 फिल्में की डील की थी। जॉली LLB 2 का कलेक्शन इस साल 100 करोड़ के ऊपर था। निर्माता, निर्देशक और अक्षय इस फिल्म की तीसरी कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि निर्देशक सुभाष कपूर ने नई कड़ी में शाहरुख को लाने की कोशिश की। वो फिल्म को और बड़ा बनाते हुए इसमें अक्षय तथा शाहरुख को साथ लाना चाहते थे मगर शाहरुख ने इनकार कर दिया। शुरुआत में कहा गया कि शाहरुख 2 हीरो वाली फिल्म नहीं करना चाहते मगर फिल्म से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा सकता है कि जॉली LLB 3 ठुकराने की वजह अक्षय कुमार है। शाहरुख नहीं चाहते कि पर्दे पर उनका सामना अक्षय से हो और लोग उनके स्टारडम की तुलना करें। चर्चा है कि इसमें अक्षय कुमार और अर्शद वास्ती दिखाई दे सकते हैं। रोचक बात यह है कि सुभाष कपूर ने 2012 में जॉली LLB सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर की थी। शाहरुख इस फिल्म के लिए उत्साहित थे परंतु जब तक है जहां और चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग डेट से ये फिल्म टकरा रही थी। शाहरुख ने तब ये फिल्म तारीखों की वजह से छोड़ी और इस बार अक्षय की वजह से पीछे हट गए। बीते 3 साल में अक्षय ने शाहरुख को स्टारडम की रेस में मात दी है। 2015 के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पिछली 5 फिल्में एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB 2 और टॉयलेट एक प्रेम कथा ने टिकट खिड़की पर लगातार 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। वहीं शाहरुख की आखिरी हिट 2014 में आई हैप्पी न्यू ईयर थी। दिलवाले, फैन, डियर जिंदगी, रईस और जब हैरी मेट सेजल की कमाई ने उन्हें एवरेज स्टार साबित किया जबकि सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्में करते हुए अक्षय ने दर्शकों का प्यार और सम्मान पाया। 2018 में निर्देशक आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही फिलहाल अनाम फिल्म शाहरुख के करियर के लिए बेहद अहम है जबकि अक्षय की 3 फिल्में पैडमैन, 2.0 और गोल्ड अगले साल रिलीज की तैयारी में लगी है। सलमान खान कहते हैं, आज आमिर, शाहरुख, मैं और अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं। लेकिन आमिर 3 साल में 1 फिल्म करते हैं, मैं साल में 2 फिल्में करता हूं। शाहरुख भी कम ही फिल्में करते हैं, अक्षय साल में 4-5 फिल्में करते हैं। आप गणित लगा लीजिए, जो कड़ी मेहनत करते हुए हर 4 महीने में ज्यादा से ज्यादा रकम बॉक्स ऑफिस पर बनाता है, ज्यादा निर्माता निर्देशक के काम आता है, वही बड़ा स्टार है। कभी मैं भी ऐसा करता था। मुझे लगता है कि सिर्फ अक्षय ने ये बात समझी कि पुराने दिनों में हम 4-5 लाख के लिए ज्यादा मेहनत करते थे और अब करोड़ों के लिए भी उतनी मेहनत नहीं कर रहे। 2018 में मैं 3 फिल्में लाने की कोशिश करूंगा। खान तिगड़ी से तुलना पर अक्षय कहते हैं, मेरा काम करने का अलग ढंग है और मैंने अपने आप को उस कॉर्नर में फिट कर रखा है जो मुझे दिया गया। मैं फिल्मों की टक्कर नहीं चाहता, इससे सबका नुकसान होता है। साल भर में करीब 180 फिल्में आती हैं। हर शुक्रवार को फिल्म रिलीज करनी है, कोई शुक्रवार खाली नहीं मिल सकता। मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि किसी फिल्म से क्लैश ना हो। इन सारे फैक्ट्स के आधार पर ये कहा जा सकता है कि तीनों खानों की तिगड़ी, जिसने पिछले 2 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा था, उसमें अक्षय ने सेंध लगाते हुए
खुद को उनके जितना या उनसे भी बड़ा सुपरस्टार साबित कर दिया है, क्योंकि अक्षय कुमार की जितनी फिल्में होती हैं वो डे टू डे लाइफ से जुड़ी होती हैं।